आगे बढ़ते हैं। मुल्क में इंतखाबी दंगल सच गया। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल जारी है। अन्य 53 से चौधरी निसार उम्मीदवार होंगे। गुलाम सरवर खान ने अन्य 53 और 58 से कागजात हासिल कर लिए। अन्य 55 और 56 में कड़े मुकाबले होंगे। दोनों हलकों से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी को कागजात नामजदगी मिल गए। फयाजुल हसन चौहान अन्य 56 और PP17 के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। 22 दिसंबर कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख है, जबकि 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। 10 जनवरी अपीलों पर फैसलों का आखिरी रोज होगा और 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। मुल्क में इंतखाबी दंगल सच गया। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल जारी है। अन्य 53 से चौधरी निसार उम्मीदवार। गुलाम सरवर खान ने अन्य 53 और 58 से कागजात हासिल कर लिए हैं। अन्य 55 और 56 में कड़े मुकाबले मुतवक्के हैं। दोनों हलकों से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी को कागजात नामजदगी मिल गए हैं, जबकि फयाजुल हसन चौहान अन्य 56 और PP17 के लिए मैदान में उतरे हैं। 22 दिसंबर कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख होगी। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे कैसर शिराजी से अपडेट कीजिएगा। कैसर, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। जिला रावलपिंडी की 7 कौमी और 14 सूबाई सीटों के लिए आज उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। साबिक वजीर दाखिला शेख सीदामत के हल्का अन्य 55 और अन्य 56 रावलपिंडी शहर की दोनों सीटों से बाकायदा कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर जो है 290 जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के और आजाद, उन्होंने कागजात नामजदगी फार्म हासिल किए। आज चूंकि पहला दिन है, इसलिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कोई रश नहीं है। इक्का दुक्का उम्मीदवार आ रहे हैं, ज्यादातर आजाद उम्मीदवारों का। बहुत शुक्रिया कैसर शिराजी अपडेट करने के लिए।